नमस्ते आंटी जी। हेलो बेटा। नमस्ते नमस्ते। ये कहाँ वीडियो कॉल किया है? अच्छे से दिख नहीं रहा वीडियो। फोटोज में तो सभी अच्छे लगते हैं। गूगल डुओ पे करती तो पता चल आप जाता। मुझे दिख रहे हैं? दिख रहे हैं आप वीडियो कॉल पे? रिश्ते की बात आपकी मम्मी और मैं तो यही सोच रहे होंगे कि आप लोगों के लिए तो नॉर्मल है जूम कॉल, वीडियो कॉल, मीटिंग, सेमिनार। हम लोग के लिए थोड़ा नया है। तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है बेटा? घर से ही काम कर रहे हो चलो बढ़िया है, खाना बनाना तो सीख ही लिया होगा। जी? तो बेटा आपके साथ जो बाकी लड़कियां वहां रहती हैं वो वापस आ गई कि वहीं से काम कर रही हैं? नहीं नहीं आंटी, मैं तो अकेले रहती हूँ। अकेले? पता नहीं किस किस का आना जाना होगा। बॉयफ्रेंड होगा क्या इसका? अरे बेटा आपने कॉलेज कहाँ से किया? आपकी मम्मी कह रही थी कि बैंगलोर में कोई तो कॉलेज है जहाँ से आपने पढ़ाई वगैरह की है। वो मैंने एक्चुअली बैंगलोर में ब्ला 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 कॉलेज से किया था। क्या ही फर्क पड़ता है, शादी के बाद तो रोटियां ही सेकनी है ना। आपका ड्रेसिंग सेंस बेटा काफी मतलब अच्छा है लेकिन थोड़ा डीप हो गया। नहीं, घर पे क्या, आप घर पे तो कंफर्टेबल होना चाहिए, जो मन करे पहनो। आप बाहर साड़ी सूट, ससुराल वालों के सामने ही सब तो पहनना ही पड़ता है। थोड़ा जब तक शादी नहीं हुई तो मजे कर लो, जो पहनना है पहनो। बाकी लिबर्टी का तो हमारे घर में तो ऐसा है कि मैं खुद कुछ भी पहनती हूँ। मतलब आपको पता है मैं स्लीवलेस ब्लाउज पहनती हूँ, चलता है हमारे यहाँ ये सब। श्योर यस। क्लीवेज देखा है? मुंबई में तो नंगी घूमती अरे बेटा होगी। आप इंस्टाग्राम पर हो क्या? मैं तो महादेव की इतनी बड़ी भक्त हूँ, दो भजन सुबह दो शाम को डालती ही डालती हूँ। आप अपनी आईडी बोलो, मैं आपको ऐड कर लूंगी तो आप भी भजन वगैरह सीख लोगे। बोलो, आई सोनल श्रीवास्तव, या ISONAL SHRIVATAVA। मैं भी तो देखूं इंस्टाग्राम पे क्या गुल खिलाती है मैडम। अच्छा है बेटा, ये सब बात तो देखो हो गई, लेकिन अभी 2-3 महीने से पहले शादी तो हो ही नहीं सकती, तो क्या ही बात करें। जी आंटी, कोरोना वगैरह के कारण तो अभी सब। नहीं, कोरोना फुरोना थोड़ी ना, शादी वादी थोड़ी रुकती है उस सब से। बेटा आप जॉब कर रहे हो, आपको 2-3 महीने लग जाएंगे ना पेपर डालने में, रिजाइन करने में। देखिए क्या है, मैं फ्रेंकली बताऊं, हम लोग तो बहुत ब्रॉड माइंडेड है, हम लोग बहुत लिबरल है, लेकिन आपका पैकेज इतना ज्यादा है और मेरे बेटे का तो आपसे बहुत कम पैकेज है ना। सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, मेहमान क्या कहेंगे, रिश्तेदार, वो सब भी तो देखना पड़ता है ना बेटा। अभी तो आप रिजाइन कर दो, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। अरे उसके बाद वर्क फ्रॉम होम या कुछ थोड़ा बड़ा कर लेना ना, घर पे घर के काम कर लिए उसके बाद कर लेना थोड़ा। 1 मिनट आंटी जी, एक्चुअली मैं ये करना तो नहीं चाह रही थी, बट लेट मी टेल यू कि आपके बेटे का जो पैकेज है मेरा उससे 2 गुना, एक्चुअली 4 गुना ज्यादा है। एंड आपके बेटे को मेरे लेवल पे आने में आई डोंट नो कितने साल लग जाएंगे बेटा। अगर आप फिर भी चाहती हैं तो आप आ सकती हैं रिजेक्ट होने के लिए, है ना। आई रियली विश कि आपको ऐसी कोई लड़की मिल जाए जिसका पैकेज आपके बेटे से भी ज्यादा कम हो। थैंक यू, बुरा मत मानिए, है ना। कैसी कैची जैसी जुबान चलती ना आपकी, हमें तो पहले ही पता चल गया था डीप नेक्स्ट को ये सब देख के। मुंबई में अकेले रहते हो ना, हमको क्या पता कौन आता है कौन नहीं आता है। जो आप ये बातें कर रहे हो कि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हमको क्या पता कितने बॉयफ्रेंड है, किनसे चैटिंग कर रहे हो। रहने तो बेटा, आप यहाँ तो रिश्ता करने नहीं। नमस्ते।